नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टेलिन ट्यूबर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आप मोबाइल का MNP करवाए हैं यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवाए हैं तो ये स्टेटस को हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये मेरा पोर्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मैं जियो नेटवर्क से एयरटेल में स्विच किया तो उसके चलते मेरे मोबाइल में इस तरह का एक नंबर आया। जो ऑथराइज डीलर होते हैं आप उनके पास जाने से वो लोग नंबर को चेंज करवा देंगे। जैसे ही नंबर आपका चेंज होने का होगा, लास्ट टाइम आपको इस तरह का एक मैसेज दिखाएगा तो वो मैसेज के हिसाब से आपको चेक करना है कि आपका ये पोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कन्फर्मेशन ले सकते हैं ऑनलाइन। तो हम यहाँ पे ओपन क्रोम ब्राउज़र करेंगे और क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे हम टाइप करेंगे MNP। जैसे हम पहले सर्च करेंगे ट्राई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का try.gov.in ये वेबसाइट आ जाएगा, इसका ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड है हमारे इंडिया में, एक है नॉर्थ और वेस्ट साइड का एक है और आपका साउथ साइड का और ईस्ट साइड का एक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन वन दिया हुआ है। अगर आप जोन वन से आते हैं नॉर्थ और वेस्ट में, यानी कि आपको जोन वन में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी का ईस्ट और वेस्ट है, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई। और आप जोन टू में अगर आते हैं कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और आपका कोलकाता। अगर आप ये नॉर्थ जोन टू से आते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे जोन वन में भी कर लेता हूँ, जोन टू में भी टैब वन पे खोल देता हूँ। अगर आप जोन वन से आते हैं यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पुट करने के बाद गेट स्टेटस में यहाँ पे दिखा देगा। मैं वहाँ से नहीं आता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा देखता हूँ। जोन टू में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे यूपीसी कोड पर आपके पास एक मैसेज आएगा, ये आपका मैसेज है। यहाँ पे यूपीसी कोड जो ये वाली जो दिखा रहा है यहाँ पे है यूपीसी कोड, तो हम यहाँ पे यूपीसी कोड को एंटर कर देते हैं। इसके बाद हमें स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे मैं अपना यूपीसी कोड एंटर करता हूँ एंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ये क्लिक टिक हो जाएगा ग्रीन टिक, यहाँ पे हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टिंग स्टेटस, यहाँ पे पोर्ट एक्सेप्टेड यानी कि हम जो चेंज करवाए हैं मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। मोबाइल नंबर आपका दिखाएगा, डोनर मतलब किससे आप ले रहे हो, मैं ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड से ले रहा हूँ। रिसिपिएंट किसके पास, एयरटेल के पास। यूपीसी कोड आपका यहाँ पे दे दिया है। वैलिडिटी ये आपका कब तक हो जाएगा, आज जैसे वैलिडिटी डेट यानी कि मेरा आज तक था तो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कब तक का वैलिडिटी है। तो ये यानी कि आप इस तरह से अपना जो पोर्टिंग का है मोबाइल पोर्टेबिलिटी है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन अपना राय जरूर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।